नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, एक वीडियो का टाइटल जो है उस वीडियो में व्यूज़ आने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखा गया है कि एक एवरेज कंटेंट का अगर टाइटल अच्छा हो तो उसमें व्यूज़ अच्छे होते हैं। उसी तरह से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे व्यूअर जो है वो यूट्यूब में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के खोज में नहीं आते, वो जनरली यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते हैं एंड जो टाइटल एंड थंबनेल उनको अट्रैक्टिव दिखता है वो लोग उस वीडियो को देख लेते हैं। इसलिए आप अगर चाहते हो कि वीडियोस में अच्छे व्यूज आए तो आपके वीडियोस का थंबनेल एंड टाइटल्स अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 7 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि डेफिनेटली एक वीडियो के टाइटल बनाते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए या फिर एक वीडियो के टाइटल में आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला ट्रिक है कि कभी भी अपने वीडियोस के जो टाइटल है उसमें सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना चाहिए। जो ह्यूमन आई है वो सेंटेंस केस की तरफ अट्रैक्टिव होता है एंड जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी सेंटेंस केस में होता है। इसीलिए आप जो है आपके वीडियोस में हमेशा सेंटेंस केस वाले जो टाइटल्स हैं उसको यूज़ करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ आप अपने टाइटल्स में नहीं करें। अगर ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ अपने टाइटल में करोगे तो टाइटल होगा वो स्पैमी दिखेगा और वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने टाइटल्स में हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली आप हैशटैग का जो यूज़ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में करें, ना कि आपके टाइटल में। फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि रिसेंटली एक रिसर्च में पाया गया है कि वीडियोस जिसमें कि कीवर्ड्स का यूज टाइटल में पहले किया गया है वैसे वीडियोस थोड़ा सा हाई रैंक पर रहते हैं। इसीलिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो उस वीडियो का जो कीवर्ड होगा उसको प्रिफरेबली आप टाइटल में पहले लिखें, ना कि बाद में। इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो हाई रैंकिंग का चांसेस बढ़ जाएगा और उसी तरह से आप ज़्यादा व्यूज भी गेन कर पाओगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जहाँ पॉसिबल हो आप अपने वीडियोस के टाइटल में नंबर का यूज करें। लेट्स से मैंने जैसे ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ 7 ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको टाइटल बनाते समय यूज करना चाहिए, तो इसीलिए जो मेरा वीडियो टाइटल भी होगा तो उसमें मैं डेफिनेटली 7 नंबर जो है वो यूज करूंगा। तो इसीलिए आप भी अगर किसी ऐसे ट्रिक्स या टिप्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा वीडियो बना रहा है जिसमें आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं तो प्रिफरेबली आपको वैसे नंबर्स जो है वो आपके टाइटल में यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपके वीडियो टाइटल्स में सीरीज़ का यूज़ करना। लेट्स से आप ट्यूटोरियल वीडियोज़ बना रहे हो, चाहे वो फोटोशॉप में हो या आफ्टर इफेक्ट या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हो सकता है, तो प्रिफरेबली आपका जो वीडियो टाइटल होगा उसमें आप एपिसोड 1 या फिर सीरीज़ 1 इस तरह से आप मेंशन करें। इससे क्या होगा, व्यूअर्स जब आपके वीडियोस देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसके बाद सीरीज 2 है या फिर इसके बाद सीरीज 3 है, इस तरह से उनको पता लगेगा। इसीलिए एक वीडियो जो है वो दूसरे वीडियो में व्यूज़ गेन करने में हेल्प करेगा। इसीलिए अगर इस तरह का कुछ वीडियो आप बनाते हो तो डेफिनेटली आप सीरीज नंबर का यूज़ करें। सेवेंथ ट्रिक है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इसीलिए आप जो है आपके वीडियो टाइटल में साल का मेंशन करें। हो सकता है कि किसी एक क्रिएटर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो सपोज 2016 में बनाया हुआ है और आपने आज के डेट में बनाया, इसीलिए अगर अपने टाइटल में साल का मेंशन करोगे तो जो व्यूअर्स होगा उनको पता लगेगा कि आपका वीडियो जो है वो नया है और उसमें सपोज कुछ अपडेटेड कंटेंट हो सकता है, इसीलिए वो लोग आपके वीडियोज़ को देखना पसंद करेंगे। इसीलिए जहां पॉसिबल हो आपके वीडियोस के टाइटल में आपको साल का मेंशन करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो टाइटल के ऊपर ये 7 ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।